हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का 27 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिल गए हैं, जीके के, साइंस के, मैथ के, रीजनिंग के, सब कुछ डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर आप चाहते हैं इस टाइप की वीडियोज आपको डेली मिलती रहे, हर एक शिफ्ट का एनालिसिस आपको मिलता रहे, तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे। और देखिए दोस्तों, मैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहां पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उनसे भी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और प्लीज एंड तक देखिएगा और लाइक करिएगा। और बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस भेजते हैं, कि सर आपकी मैथ और रीजनिंग के जितने भी आपने कोर्सेज बनाए थे उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तक अगर आपने अभी तक वो कोर्सेज नहीं देखे हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप उन्हें देख सकते हैं। बहुत ही खुशी की बात है, मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि बहुत से बच्चों ने जिसने भी आज ये क्वेश्चंस भेजे हैं तो उन्होंने यही कमेंट किए हैं कि सर बहुत कुछ बिल्कुल एज इट इज आ रहा है, थोड़ी बहुत डिजिट चेंज होती है, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और इसकी पीडीएफ मैं आपको बताऊंगा कहाँ से डाउनलोड करनी है, वीडियो को एंड तक देखिए। पहला क्वेश्चन है आपका, मणिपुर के सीएम पूछे गए थे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एन बीरेन सिंह, ठीक है। भारत के कानून मंत्री पूछे गए थे तो रविशंकर प्रसाद जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था आपका, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है, सिरोही जिले में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नया है, ये रिपीट हो सकता है दोबारा, और ये पांच मंदिरों का एक समूह है और ये 1031 ईस्वी में बना था, ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। 2017 खेल रत्न अवार्ड किसको मिला, तो देवेंद्र झाझरिया और सरदार सिंह जी को, तो ये आप ऑप्शन देखकर ही लगा सकते थे यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल था, तो बस इतना ही भेजा है बच्चे ने, तो मैंने आपको यहाँ पे यही बता दिया है, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका, इन चारों में से इनर्ट गैस कौन सी है, तो आपको ऑप्शन देखकर ही पता चल सकता था ये इनर्ट गैस होती है, तो इनमें से जो भी ऑप्शन में होगा आपको वो राइट आंसर लगाना था, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका कि शर्मिला जो अनशन पर बैठी थी वह किस स्टेट से आती है, बिल्कुल इसी फॉर्म में क्वेश्चन भेजा गया था, तो ये मणिपुर से आती है, ठीक है। इनका पूरा नाम है चानू शर्मिला और इनको आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपका या तो सेकंड शिफ्ट में या फिर आगे आने वाले दिनों में पूछा जरूर जाएगा कि आयरन लेडी के नाम से किसको जाना जाता है। ऑप्शन में आपको चानू शर्मिला या फिर शर्मिला भी ऑप्शन में मिल सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका, पीएम नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक था आपका, तरुण के चार पांच क्वेश्चन थे, बिल्कुल ऐसे लिख के भेजा था एक बच्चे ने, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, उसने क्वेश्चन नहीं बताए थे, बस ये बताया था, ठीक है। नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर चार धाम यात्रा की आधारशिला रखी है, तो आप सभी को पता होगा, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। कमेंट कुछ भी किया करें, कर दिया करें, ठीक है, और लाइक भी कर दिया करें, ठीक है। तो लगातार मैं आपके लिए तीनों शिफ्ट का एनालिसिस लेके आता हूँ, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ लाइक वाइक आ रहे हैं और आप मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन था, 2017 में महिला हॉकी कप किसने जीता, तो इंडिया ने जीता है। एक था आपका, मनुषी छिल्लर से भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, तो ये मिस वर्ल्ड 2017 बनी थी, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इनसे रिलेटेड आगे भी कुछ क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे अगर आज ये क्वेश्चंस पूछा गया है। देखिए, एक जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर आज भी पूछ लिया गया है, दो बच्चों ने भेजा है, तो इसका मतलब पूछा तो जरूर गया होगा, तो अमिताभ बच्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है पहले भी, ठीक है। एक था आपका, हेलोजन की संयोजकता एक होती है, ये क्वेश्चन में आपका था, ठीक है। एक था आपका, एलिफेंट का साइंटिफिक नेम, तो लोक्सोडोंटा इसका साइंटिफिक नेम होता है। H2SO4 यानी कि ये पूछा गया था कि क्या होते हैं, किंग ऑफ एसिड होता है, बाकी और ऑप्शन देखकर ही पता चल सकता था कि क्या क्या इसके बारे में दिया गया था। पीरियोडिक टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो जो कुछ भी मुझे भेजा गया है तो मैंने वो आपको यहाँ पे बता दिया है, सारे के सारे क्वेश्चन रियल है, एक भी फेक क्वेश्चन नहीं है, ना मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, और जो कुछ मतलब भेजा गया है बिल्कुल एज इट इज लिख के लेके आ गया हूँ। अगर इसके बाद भी आप ये कमेंट करते हैं कि फेक है, तो फिर यार मतलब ये पूरा एंड है, ठीक है। विटामिन B12, ये टू ने, B12 का साइंटिफिक नेम क्या होगा, साइनोकोबालियम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक था आपका, देखिए अब रीजनिंग से बात कर लेते हैं, रीजनिंग का आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन से चार से पांच क्वेश्चन थे, मिरर इमेज से एक क्वेश्चन था, कैलेंडर से भी एक क्वेश्चन था, ठीक है, वेन डायग्राम से भी आपका एक क्वेश्चन था, क्लोक से था, कोडिंग डिकोडिंग से था, सीरीज से था, काउंटिंग फिगर से भी था क्वेश्चन, ठीक है। काउंटिंग फिगर का तो बिल्कुल भेजा है एक बच्चे ने यहाँ पे, देखिए कुछ इस तरीके की काउंटिंग फिगर थी, तो मैंने आपको बताया था इससे तो काउंट करना मैंने बता रखा है ना, अगर आपको इसे काउंट करना पता है तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा बस यही चार बार काउंट करना है और बाकी की दो तीन चीज़ें और हैं वो याद रखनी है। इसको कैसे काउंट करते, देखिए
टू थ्री फोर, इस तरीके से आपने काउंट किया तो ये फोर हो गए इसमें, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपको बताने थे, तो फोर फोर इंटू टू करिए तो एट हो गया, यानी कि एक में एट है, इसमें भी एट होंगे, इसमें भी एट होंगे, इसमें भी एट होंगे, तो एट इंटू फोर तो ये हो गए 32, तो ये हो गए, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जितने ये पॉइंट्स होंगे, ठीक है, जितने भी मतलब ये आपके जुड़ेंगे और ये पॉइंट्स बनेंगे, वो भी आपको पूरा प्लस करने हैं। तो यहाँ पे एक दो तीन चार, चार तो ये हो गए, और दो ये भी हो गए क्योंकि एक एक्स्ट्रा ये वाला ऐड किया गया है, ठीक है। ये तो हमने जो ऐड किए हैं दो दो, ये वाले ये इंच वाली लाइन के किए हैं, तो दो आपको ये भी करने पड़ेंगे, तो ये कितने हो गए, छः ये हो गए, ठीक है। फिर आपको एक ये आपको दिख रहा होगा पूरा बड़े वाला, ये वाला, ठीक है, एक ये हो गया। फिर बिल्कुल डिट्टो ये ही एक इस साइड में दिख रहा होगा, ये वाला, ठीक है, एक ये हो गया, ठीक है। एक इसमें यहाँ पे आपको था ये पूरा बड़े वाला जो है, ये वाला, तो तीन ये हो गए, वन टू थ्री। तो यहाँ पे कुल मिला के इसका आंसर 41 था, तो जिसने भी 41 लगाया होगा उसका बिल्कुल सही आंसर है, ये क्वेश्चन भी भेजा गया था, ठीक है। एक आपका वेन डायग्राम से क्वेश्चन था, देख लेते हैं। यहाँ पे पानी और पीपल और घंटी, देखिए तीनों ही चीज़ बिल्कुल अलग है, पानी का पीपल से कोई रिलेशन नहीं है, घंटी का भी किसी से कोई रिलेशन नहीं है, तो पानी पीपल घंटी कुछ इस तरीके से वेन डायग्राम आपका बनना था, ठीक है। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होंगे आपके, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो आपको ये वाला लगाना था, ठीक है। एक मिरर इमेज आपकी पूछी गई थी टीथ की, ठीक है, तो यहाँ पे मिरर इमेज बहुत ही आसान है इसकी बनानी, बिल्कुल यही क्वेश्चन था, क्योंकि भेजा गया है तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको कैसे करना था भाई, एच मिरर के पास में है तो एच तो वैसे का वैसे रहेगा, टी भी वैसे का वैसे रहेगा, बस ई इसमें चेंज होगा। ई में क्या चेंज होगा भाई, ई का जो पोर्शन है, जो ई का खुला हुआ पोर्शन है, एक तो ये प्लेन वाला है, एक खुला हुआ पोर्शन है, वो मिरर के पास में है, तो इधर भी आपका मिरर के पास में होके ये इस तरीके से बन जाएगा, तो ये आपकी बन जाएगी मिरर इमेज। तो आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक था आपका देखिए सीरीज से 15, 31, 67, और नेक्स्ट आपको बताना था क्या आएगा, और यहाँ पे 231 था। तो यहाँ पे आपका ये क्या चल रहा है, 15 में 4 का स्क्वायर प्लस कर दिया जाएगा, तो 31 में 6 का स्क्वायर प्लस कर दिया जाएगा, तो 67 में 8 का स्क्वायर प्लस करेंगे, यानी कि देखिए 4 से 6 यानी कि 2 छोड़ के चल रहा है, और यहाँ पे 2 छोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 31 हो जाएगा राइट आंसर इसका, 131 सॉरी, और यहाँ पे 231 क्या हो जाएगा, 8 का सॉरी, हाँ 131 में मतलब 10 का स्क्वायर प्लस करेंगे 231, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, 131 राइट आंसर हो जाएगा। एक था आपका ये वाली सीरीज, सीरीज से और कोडिंग डिकोडिंग से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे 5, 10, 20, 40, 80, तो बड़ा सिंपल है, तो बस 2 की मल्टीप्लाई करते जाना है और नेक्स्ट आधा चला जाएगा, तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस, और अभी बात करेंगे मैथ के, बहुत सारी क्वेश्चंस हैं मैथ के भी। टाइम एंड वर्क हो गया, क्वेश्चंस पूछे गए थे टाइम एंड वर्क से, बोर्ड मास से 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। SICI से भी क्वेश्चन था, वो बोर्ड मास और SICI के मुझे कुछ क्वेश्चंस भी मिल गए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का भी क्वेश्चन था, मेंसुरेशन, HCF, LCM, स्क्वायर रूट का भी क्वेश्चन बिल्कुल मिल गया है मुझे, और आपका हो गया परसेंटेज, HCF, LCM का भी मिल गया है, परसेंटेज का भी आई थिंक मिल गया है, ट्रेन और टाइम स्पीड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन थे, बट इनके क्वेश्चंस नहीं मिले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्क्वायर रूट की, तो स्क्वायर रूट था आपका 15625 का स्क्वायर रूट आपको बताना था। देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, अगर यहाँ पे मैंने क्या बताया, स्क्वायर रूट करना है, जैसे 15625 लिखा है तो इसमें 2 का पेयर बनता है अगर स्क्वायर रूट बनाना है, ठीक है। क्यूब रूट है तो 3 का पेयर बनता है, वैसे क्यूब रूट एक भी नहीं पूछा गया, अगर पूछा जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा 15625 है, ठीक है। वैसे मैंने बता रखा है, अगर आपने देख रखी हो कि वीडियो एक बार सर्च कर लीजिएगा, क्यूब रूट शॉर्ट ट्रिक टॉपिक स्टडी, ठीक है, ये चीज़ डालेंगे तो आप सब कुछ निकल के आ जाएगा, टॉपिक स्टडी ऐड कर दिया करें किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं। तो यहाँ पे 25 का हमने एक पेयर बना लिया और बचे हुए का एक पेयर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब 2 का पेयर बनाते हैं तो इससे पीछे वाली वैल्यू हटा देते हैं और ये देखते हैं किसके स्क्वायर में आएगा, तो 5 के स्क्वायर में ही सिर्फ 5 आता है और किसी के स्क्वायर में 5 नहीं आता है, तो इसका तो लास्ट वाला पार्ट तो हमें मिल गया है आंसर का मतलब। और यहाँ पे देखना अपना 156 से छोटा स्क्वायर किसका है, तो अगर 13 का करूँ तो बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब 12 का स्क्वायर होगा, ठीक है, 144, तो आपका 12 का स्क्वायर 144 होगा, तो 125 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई समझ में आया ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, मतलब इसमें लास्ट वाली संख्या में जो 5 है तो 5 सिर्फ 5 के स्क्वायर में आएगा, तो 5 लिख देंगे, और 156 से पहले किसका स्क्वायर आता है 12 का, तो ये आपका हो जाएगा 125 राइट आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, प्रिंसिपल अमाउंट दे रखी थी 9000, टाइम दे रखा था 6% और आर्ट दे रखा था आपका यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, ऐसा ही आपको निकालना था। अब सीधा सीधा तो आप ये वाला कर लीजिए, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100
ऐसा ही निकालने के लिए, ठीक है। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो सीधी सीधी एक काम करें ना, टोटल इंटरेस्ट निकाल लीजिए परसेंटेज का, तो 6×5 30 यानी कि आपको 30% निकालना है इसका सीधा सीधा। आप अलग 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 करके तीन यानी कि 6 जगह निकालिए, या फिर आप इसका सीधा का सीधा 30% निकाल लीजिए, क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो फिक्स होता है, वो कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। जो फर्स्ट ईयर में लगा वो सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर में सब जगह वही सेम रहेगा। तो 9,000 का 30% निकालेंगे तो 2,700 आ जाएगा आपका सीधा सीधा, ठीक है। ये सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट में होगा, यानी कि साधारण ब्याज में, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज में बिल्कुल अप्लाई मत करिएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कुछ एक क्वेश्चन था बिल्कुल ऐसा ही, ये भी देख लेते हैं। किसी वस्तु पर 40% डिस्काउंट दिया जाता है, किसी वस्तु पर 40% दिया डिस्काउंट दिया जाता है, अगर उसी वस्तु पे 40% डिस्काउंट ना देकर 10% और 20% के दो अलग अलग डिस्काउंट दिए जाते हैं तो अंतर 132 रुपये का आता है, तो अंकित यानी कि MRP मूल्य क्या होगा। भाई क्वेश्चन तो देखिए एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं लिखा है, बट मैं एग्जैक्ट फॉर्म बता देता हूँ, ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कोई वस्तु है उस पर 40% का डिस्काउंट दिया जाता था, अगर 40% का डिस्काउंट ना देके 10% और 20% के दो अलग अलग डिस्काउंट दिया जाए, यानी कि 10 का दिया जाए फिर एक 20 का दे दिया जाए, और उसके बाद अंतर कितना आता है 40% वाले में और इन दो डिस्काउंट में 132 का, तो यहां पे बतानी है MRP क्या है, उसका अंकित मूल्य क्या है उस प्रोडक्ट का। तो यहां पे देखिए 40% हम देते थे, जब 10 और 20 का हम मतलब डिस्काउंट देंगे तो तब क्या करना है आपको, इन दोनों डिस्काउंट का एक डिस्काउंट बना लेना है, यानी कि 1% बना लेनी है। तो कैसे बनाते हैं, x+y - x (y), ठीक है। यहाँ पे जब डिस्काउंट होगा तो यहाँ पे दोनों डिस्काउंट है तो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। अगर प्रॉफिट होता तो यहाँ पे प्लस आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 10+20, ठीक है, तो और 10×20 / 100, तो कटेंगे कितना हो जाएगा, तो 30-2 तो 28% आ जाएगा। यानी कि पहले जो डिस्काउंट दिया जा रहा था वो 40% दिया जा रहा था, अब दिया जा रहा है जो वो 28% दिया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस देखना है, 12% का डिफरेंस कितना आया इनके बीच का अंतर, 132 का, यानी कि 12% की वैल्यू आपको मिल गई कितनी, 132। तो 100% की आपसे पूछी गई है, यानी कि MRP पूछी जा रही है, तो इसका मतलब वो अभी आपकी 100% है। तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 132 को 12 से भाग कर दीजिए और 100 से गुणा कर दीजिए, तो कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा, और 11 की 100 में करेंगे तो 1100 आ जाएगा, यानी कि उस प्रोडक्ट की जो MRP थी, अंकित मूल्य था, वो 1100 रुपये था, राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था आपका कुछ इस तरीके से, x×38% बराबर है किसके, 133 के, तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको बतानी थी, तो x की वैल्यू निकालनी हमें, 38% को कैसे लिखेंगे, 38/100, और यहाँ पे कितना लिखेंगे, 133, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ पे आपका 9 से ये कट हो जाएगा, ठीक है, 38 टू टाइम, और ये कट हो जाएगा 7 टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इनकी इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स तो बाहर आ जाएगा क्योंकि एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 की और 100 की, 700 हो जाएगा, और यहाँ पे इतना बचेगा 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 350 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, 350 राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका देखिए एक LCM HCF का क्वेश्चन था, यहाँ पे LCM भी दे रखा था आपको, HCF भी दे रखा था, फर्स्ट वैल्यू दे रखी थी, सेकंड वैल्यू आपको निकालनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको इतना पता है तो आप बिल्कुल किसी भी इन चार चीज़ में से तीन चीज़ें मिली होंगी तो आपको तीसरी मतलब चौथी चीज़ आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे होता है HCF LCM कभी भी अगर निकालो तो पहली संख्या यानी कि दो संख्या अगर आपको दी होती है, दोनों संख्याओं की गुणा बराबर किसके होती है, HCF LCM के गुणा के बराबर होती है, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ, बहुत से बच्चों को पता होगा, जिसको नहीं पता है तो इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकता है। पहली संख्या यानी कि दो संख्या का जो आपका LCM है उनका गुणा किसके इक्वल होगी, आपके जो उनका गुणा करके आएगा वो होगा आपका HCF LCM की दोनों की गुणा करने के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे पहली संख्या 56 दे रखी है, दूसरे की हम मान लेते हैं x, यहाँ पे 84 है आपका HCF और LCM कितना दे रखा है 1206, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू निकालनी है, तो 84×1206 यानी कि 1206 आप करेंगे मल्टीप्लाई और 56 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो इनको कट कर देंगे 14 से, ठीक है, 14 से कितनी बार जाएगा 4 टाइम और ये जाएगा 6 टाइम, फिर ये 2 से जाएगा 2 टाइम और ये जाएगा 3 टाइम, फिर 2 से ये चला जाएगा 603 बार और 603 की 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1809, यही आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बोर्ड मार्क्स से जो क्वेश्चन था देखिए कुछ इस तरीके से था कि आपका 104/(68) या आपका -(-29) मतलब कुछ इस तरीके से था, तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, ठीक है। बोर्ड मास यही तो बोलता है कि सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ वाली मल्टीप्लाई उसके बाद ब्रैकेट, तो यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ वाली मल्टीप्लाई कहीं पे नहीं, तो ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट के अंदर भी आप डिवाइड करेंगे सबसे पहले, तो 7 से 56 को कट करेंगे कितनी बार जाएगा,
एट टाइम, ठीक है भाई। एट की आप करेंगे फोर में मल्टीप्लाई, सेकंड नंबर पे मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे आप हो जाएगा 32। 32 को आप माइनस करेंगे किसी में से 45 में से, तो कितना आएगा 13। फिर 13 को आप माइनस करेंगे 29 में से, तो आपका आएगा 16। और 16 को भी माइनस करेंगे आप 68 में से, तो आएगा 58। तो कुछ भी हार्ड नहीं था, बिल्कुल सिंपल था, कोई माइनस माइनस था सबसे ज़्यादा। और 52 को यानी कि 104 को आप डिवाइड करेंगे 52 से, तो आपका आ जाएगा 2। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का एक क्वेश्चन था आपका, तो बहुत ही सिंपल होते हैं बोर्ड मार्क्स के जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। दिखने में थोड़ा लगते हैं अजीब से, बट उनको करना स्टार्ट करिए, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। यही थी पूरी वीडियो, अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आपने लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा, और नहीं किया तो कर दीजिएगा। थोड़ा मोटिवेट करिएगा, अप्रिशिएट करिएगा जो भी मैं क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ उनकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप ऑलरेडी टेलीग्राम पे हैं तो उस लिंक को खोल करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हैं तो सबसे पहले टेलीग्राम को डाउनलोड करिए, उसके बाद आप यहाँ पे टॉपिक स्टडी को ज्वाइन करिएगा, ठीक है। सारी यहाँ पे पीडीएफ अपलोड कर रखी है मैंने, सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं आप वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।